ये हमारा घर है भिवानी दादरी जिला जो है, महेंद्रगढ़ जिले जो है, ये घर है हमारा, परिवार के लोग हैं। और भैया परिवार के लोगों में आना जाना तो लगा ही रहता है, हमेशा ही आती जाती रहती हूँ। अब जो है क्योंकि चुनाव आ रहा है तो और भी ज्यादा जो है लोग जो है अच्छे लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। सबने देख लिया 10 साल में क्या हालात हुए हैं भिवानी के, और जो है 10 साल में ये जो है बीजेपी की सरकार ने क्या करा है। तो जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है, चाहे हमारा किसान भाई हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, चाहे हमारे बेरोजगार नौकरी वाले हो, चाहे हमारे कर्मचारी लोग, और जो है सारे के साथ महिलाएं हो, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था भी ठप हो गई है, तो हर तरह के तरीके से हर उस पे केंद्र सरकार और ये जो सरकार है, ये डबल इंजन की अपने आप को कहते हैं, ये डबल इंजन सरकार पूरी तरह से विफल है। और जनता जो है राह जो वो कहती ना देख रही है कि किस तरह से इनको वोट के जरिए बाहर करा दे। सारा मानस परेशान है जी। ये बात सत्य है भिवानी के अंदर अभी, ये आप बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जो है ये नशे का प्रकोप नहीं आया था, लेकिन अब भिवानी जिले के अंदर ये नशा भी आ गया है। ये नौजवान बच्चे जो हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो हताश हैं, वो इस तरह का सेवन करते हैं, और फिर आप जानते हो फिर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, और सरकार का अंकुश जब खत्म हो जाता है तब जब इस तरह के असामाजिक तत्व हैं वो अपना सिर उठाते हैं। और आज उसका नतीजा ये है कि व्यापारी भाई अपनी दुकान बंद करके जब अपने घर जाता है तो उसको डर लगता है कि रास्ते के अंदर मेरे साथ कुछ हो जाए, और दिन दिहाड़े जो है चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, और बाकी जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। गर्मी का मौसम है, पानी की कहीं ना कहीं किल्लत है, सरकार दावा करती है कि हर घर नल देंगे, नल में जल नहीं है, लेकिन ये सरकार के तो दावे ही दावे हैं, दावे की सरकार है, जुमलों की सरकार है, झूठ की सरकार है इन्होंने, और इसके अलावा कुछ नहीं करा। पानी की व्यवस्था जो है क्यों कैसे होगी, क्योंकि इन्होंने हमारी पानी ही काट दिया, जो हमारे भिवानी जिले को जो हमारा जितना क्यूसिक पानी 800 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए वो पानी का इंडेंट हमारा खत्म कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि पानी तो त्राही त्राही होगी। हमने अपने समय पर करोड़ों रुपए लगाकर पब्लिक हेल्थ के जो है बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए, बहुत सारी डिक्कियां बनाई, सारा काम करा श्रुति ने और मैंने, लेकिन आज जो है दुर्भाग्य की बात जब पानी नहर में नहीं है तो उनके अंदर पानी कैसे आएगा। नतीजा आज ये है कि सारी जनता त्रस्त है और जो है टैंकरों के जरिए जो है विवश है पानी पीने में। पहले ही महंगाई की दौर इतने हैं, इतना जबरदस्त महंगाई है, और उस महंगाई के ऊपर जो है 1200 रुपए का जो है टैंकर महीने के बुला बुला के वो पीते हैं पानी। सही है बात है ना। और आज के दिन जो चौका चूल्हा चलाना हमारी महिलाओं के लिए मुश्किल हो रहा है, जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज 1150 रुपए का हो गया, डीजल पेट्रोल का हालात जो है वो 100 से ऊपर छू रहे हैं। तो जनता जाए कहाँ, उसकी जो है आमदनी तो है नहीं, नौकरी है नहीं, और महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो जनता तो त्रस्त होएगी।